नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। मोरबी हादसे की वजह से गुजरात समेत पूरे देश में शोक की लहर है। गौरतलब है कि रविवार को गुजरात के मोरबी में केबल ब्रिज टूट जाने से हुए हादसे में अब तक 134 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और अभी भी अस्पतालों में कई लोगों का इलाज लगातार जारी है। इस बीच आज पीएम मोदी दोपहर 3 बजे मोरबी जाएंगे। यहाँ वो ब्रिज हादसे में घायलों और मृतकों के परिवार से मुलाकात करेंगे और हालात का जायजा लेंगे। बता दें आपको कि आज पीएम मोदी दोपहर 3 बजे मोरबी जाने वाले हैं। यहाँ वो ब्रिज हादसों में घायलों और परिजनों से मुलाकात करने वाले हैं। आपको बता दें कि हालात का भी वो जायजा लेंगे। बताते चले कि चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लीजियान ने कहा कि किमाए गए लोगों के लिए दुखी गए हूँ और मृतकों और घायलों के परिजनों के प्रति सहानुभूति उन्होंने प्रकट की है। पोलैंड के विदेश मंत्री बिग्न्यूरु ने भी गहरी संवेदना प्रकट की है। कहा है कि गुजरात और पोलैंड भारत के रिश्तों में खास स्थान रखता है और द्वितीय विश्व युद्ध के समय नाजिया के आक्रमण के दौरान जामनगर के तत्कालीन राजा दिग्विजय रंजीत सिंह जडेजा ने ही पोलैंड के 1000 बच्चों को शरण दी थी। पोलैंड के चित्रकार स्टीफन नोबिलिन ने भी महल में चित्रकारी की थी और वहीं श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे के कार्यालय की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी किया गया है, जिसके अनुसार राष्ट्रपति ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजे संदेश में कहा वो पुल ढहने की इस दुखद घटना से स्तब्ध और दुखी हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार और श्रीलंका के लोग, आपकी सरकार और भारत के लोगों, विशेष रूप से जान गंवाने वाले नागरिकों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करने में मेरे साथ शामिल हैं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। बचाव कार्य में हर सफलता की कामना करता हूं। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को कोलकाता में मौजूद पश्चिम बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिडिकल साइंसेज के दीक्षांत समारोह में बुलाया गया था। यहां संबोधन के दौरान ही ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि एक वर्ग के लोगों ने लोकतांत्रिक शक्तियों पर कब्जा कर लिया है। अगर ऐसा ही रहा तो जल्द ही राष्ट्रपति शासन आ सकता है। इसके अलावा सीएम ममता बनर्जी ने चीफ जस्टिस यूयू ललित से भी तारीफ की है और ममता ने यह भी आरोप लगाया है कि लोगों को बेवजह परेशान किया जा रहा है। ममता ने अदालतों से कहा कि वो संघीय ढांचों का सम्मान बरकरार रखे। ममता बनर्जी के आरोप लगाते ही केंद्र सरकार में कानून मंत्री का पद संभाल रहे किरण रिजिजू भी चुप नहीं रहे। उन्होंने उल्टे ममता सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि ममता दीदी पश्चिम बंगाल का सच बता रही थी, क्योंकि तृणमूल न्यायपालिका का बेहद कम सम्मान करती हैं और न्यायाधीशों के लिए उनके मन में कोई सम्मान नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया है कि तृणमूल कांग्रेस ने राज्य में कानून के शासन के बजाय तृणमूल के कानून का शासन लागू किया है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र दम तोड़ रहा है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को 50 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं और भारत को लेकर इसमें घमासान देखने को मिल रहा है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हैदराबाद पहुंच चुकी है और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज यहां राहुल गांधी के साथ यात्रा में शामिल होंगे और पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने इस बात की जानकारी दी है। कांग्रेस उन सभी राज्यों में ऐसे सहायता यात्राएं निकालने की तैयारी में है जहां से भारत जोड़ो यात्रा नहीं गुजरेगी। अध्यक्ष बनने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे पूरी तरह से एक्शन में नजर आ रहे हैं और जयराम रमेश ने बताया है कि खड़गे आज मंगलवार दोपहर ही हैदराबाद पहुंचेंगे और यात्रा में शिरकत करेंगे। माना जा रहा है कि यात्रा के दौरान राहुल गांधी ऐतिहासिक चार मीनार का दौरा भी करेंगे। वहीं खड़गे ऐतिहासिक चार मीनार से ही पद यात्रा में शामिल होंगे। अध्यक्ष बनने के बाद खड़गे पहली भारत यात्रा जोड़ों में जुड़ रहे हैं और राहुल ने 30 अक्टूबर को तेलंगाना में यात्रा की शुरुआत गोलापल्ली जिले से की थी और कांग्रेस ने ट्वीट कर बताया कि शमशाबाद में ही मठ मंदिर से आज एक नया मोड़ लेते हुए और भी ज्यादा उत्साह के साथ मार्च जारी है। बता दें आपको कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर बीते रविवार ब्रेक लग गया था और सांसद राहुल गांधी को कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ताजपोशी के लिए दिल्ली जाना पड़ा था,
जिस कारण 3 दिन तक भारत जोड़ो यात्रा रुकी रही। हालांकि 27 अक्टूबर को भारत जोड़ो यात्रा फिर से शुरू हो गई थी और यात्रा 7 सितंबर 2022 को कन्याकुमारी से शुरू हुई थी, जो अगले साल कश्मीर में जाकर खत्म होगी। दिल्ली एनसीआर में मामूली राहत के बाद मंगलवार सुबह एक बार फिर पोल्यूशन ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। नवंबर के पहले दिन की शुरुआत दूर तक फैली रही स्मॉग से घनी चादर में दिखाई दी है और वहीं दिल्ली के आनंद विहार, नोएडा, गाजियाबाद में AQI 400 के पार चला गया। आपको बता दें कि माना जा रहा है कि कमजोर हवाएं पराली का धुआं लेकर आ रही हैं। हवाएं और छत पर हुई आतिशबाजी की वजह से ही दिल्ली एनसीआर का ये हाल हुआ है और दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने के बाद बंदिशें लागू हो चुकी है। निर्माण कार्य पर रोक लगाई गई है और दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक आनंद विहार और विवेक विहार में AQI सीवियर कैटेगरी में है और इस इलाके में हवा की हालत इतनी खराब होने की एक बड़ी वजह इस इलाके में होने चल रहे रीजनल रेल यानी कि RRTS का निर्माण कार्य है और रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि दिल्ली की हवा बेहतर ना होने तक निर्माण कार्यों में किसी भी तरह की छूट नहीं दी जानी चाहिए। बता दें आपको कि RRTS के निर्माण कार्य को दिल्ली में लागू बंदिशों से छूट दी गई है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।